वीडियो में मैं आपको जो है वो Redmi 8A के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में हमने Redmi 8A की चार्जिंग सेक्शंस के बारे में ही बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बैटरी के एरर्स बताऊंगा, अगर कोई एरर आता है तो आप किस तरीके से जो है वो रिपेयर कर सकते हो, जैसे बैटरी टेम्परेचर टू हाई, बैटरी टेम्परेचर टू लो, ये एरर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो किस तरीके से रिपेयर करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला काम है हमें जो है वो अपना सब बोर्ड या स्ट्रिप को जो है वो चेक कर लेना, उसकी DPDM की कंटिन्यूटी को चेक करना। अब DPDM की कंटिन्यूटी कैसे पता चलेगी, आप मदरबोर्ड को ओपन कीजिए, सब बोर्ड को ओपन कीजिए, बैटरी जो चार्जिंग पिन कनेक्टर होता है आपका वो उसके जस्ट बाजू में DP होता है और DM होता है, ठीक है। तो वहां से हमें जो है DPDM की कंटिन्यूटी यहाँ पे मिल रही है या नहीं वो चेक करना है, और कंटिन्यूटी पॉजिटिव भी आप देख लीजिए तो इससे ये एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा सब बोर्ड ओके है, स्ट्रिप ओके है। वैसे नॉर्मली अगर आपको मार्केट का सब बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर, तो सब बोर्ड ओके होने के बावजूद भी क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट को बाईपास किया जाता है तो वो ऑटोमेटिक कुछ दिन में जो है ना वो खराब हो जाता है। तो अगर आपका मार्केट का सब बोर्ड है तो आप उसे रिप्लेसमेंट करके एक बार चेक कर लीजिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके से रिपेयर करना है। DPDM की लाइन को हमने चेक कर लिया, ओके है। तो आपको इन जो डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, ये डायोड को आपको चेक करना है। इस डायोड पे क्या होता है, कभी कभी वाटर लॉक की वजह से शॉर्टिंग आ जाती है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको सब बोर्ड पे दिखाता हूँ, ये बिट मैप में दिखाता हूँ। देखिए डायोड यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ है, तो इस डायोड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से भी ये एरर आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो आपको डायोड चेक करना है बीप रेंज पे कि दोनों साइड बीप तो नहीं कर रहा है, अगर दोनों साइड बीप आ रही है तो आपको ये डायोड निकाल देना है, तो भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा कहाँ से प्रॉब्लम आती है, हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो थर्मल की लाइन से आती है, ID की लाइन से नहीं। थर्मल की लाइन कौन सी, हमारी बैटरी थर्मल, देखिए ये वाली लाइन है तो ये येलो वाली लाइन, तो ये लाइन का फॉलो अप लेंगे हम किस तरीके से है। देखिए यहाँ पे लाइन स्टार्ट हुई, ठीक है। अब मैं बिट मैप में भी दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ तक गई, ये डॉट है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो देखना है कोई वाटर लॉक तो नहीं है, वाटर लॉक की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमने ये चेक कर लिया वाटर लॉक नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, तो ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप सेमेटिक में देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये बाईपास होता है, ठीक है। तो यहां से ये आगे कहां जाता है, देखिए आगे जो है हमारा PMI के अंदर जा रहा है। देखिए यहाँ पे इस डॉट पे आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस से होता हुआ हमारा कहाँ पे जा रहा है, थर्मल का लाइन, देखिए यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, उसके अलावा इस IC में जा रही है। तो इस IC में जो है ना, उसके बाद डिवाइडर सर्किट तैयार होती है इसकी, जो की इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो उस बेस पे आप जो है ना इस IC पे चेक कर लेना। IC में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे रिपेयर कर सकते हो, IC रिप्लेसमेंट कर सकते हो, जिसके भी आप पे आप जो है PMI चेंज करने के बाद बैटरी एरर का जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक जो है वो सॉल्व हो जाता है। जो वोल्टेज है गाइस, वो वोल्टेज बैटरी लगाने के बाद बनता है, जो कि 1.1 वोल्ट से कम होता है, ठीक है। तो उस बेस पे जो है जब आप बैटरी लगाओगे तो 1 वोल्ट से कम आता है, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मतलब डायोड लगा हुआ है जिसमें अगर वाटर लॉग हुआ है तो उसकी वजह से भी जो है वो बैटरी टेम्परेचर टू लो या बैटरी टेम्परेचर टू हाई का एरर जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप जो है वो Redmi 8A इसमें जो है वो बैटरी टेम्परेचर के जो प्रॉब्लम आती है उसे सॉल्व कर सकते हो। ओवरऑल व्यू मैंने आपको दे दिया कि किस तरीके से आपको काम करना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फॉल्ट फाइंडिंग में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आपको कोई और इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए होगी तो कमेंट करना, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।